को नमोबुद्धाय जय भीम में निशा सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है बीएसपी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो आज में देश में जो चल रहा है, जो देश की आज राजनीति है, वो किस राह पे आज? देखिए, देश की जो राजनीति है निशा जी, वो अभी ऐसे मोड़ पे है कि लोगों को इसको समझना पड़ेगा। जब वो अभी जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे जो द्वेष फैलाया जा रहा है उसको समझना पड़ेगा। जो अभी हमारे साथ भी चल रहा है, जो रविदास मंदिर तोड़ा गया है, वो एक राजनीतिक साजिश के तहत ही तोड़ा गया ऐसा लगता है। क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि भाई ये दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार कहती है कि ये केंद्र सरकार के अधीन है, और दोनों मिलकर कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस देश की एक संस्था है, अगर सरकारें चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदल भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा रातों रात जाके कि आप उस मंदिर को तोड़ दें। ये साजिश है लोगों में एक दूसरे के प्रति गलत भावना भरने की, समाज को जो है जातियों में बांटने की जी। और बहुजन समाज को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार की जो बहुजन समाज के प्रति ये दमनकारी नीति है, इनको समझते हुए ही उस काम को करना है। ये जो रविदास मंदिर वाला जो कल काम हुआ, जो वहाँ पे अभद्र व्यवहार हुआ लोगों ने, जो आपस में ही करा अपनी अपनी राजनीति के चक्कर में, उससे सरकार को क्या है कि दमनकारी अपनी नीतियाँ लागू करने का मौका मिल जाता है। इसलिए समाज को ये समझना है कि समाज जो है भटकाव की तरफ ना जाए, क्योंकि समाज अभी भटकाव की तरफ है। और जो राजनीति परिवेश आज की तारीख में जो चल रहा है, अभी जो हालिया सरकारों में चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है कि समाज को बांटा जाए। जब ये समाज बटेगा तभी ये समाज टूटेगा, और समाज को ये बात समझनी चाहिए कि ये भटकाव की तरफ ना जाए। सर, 19 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था, जो बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद 21 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें चंद्रशेखर जी आए थे, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा प्रदर्शन हुआ जिसमें लोगों को चोटें आई हैं और फायर भी हुई है लोगों को। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये रविदास मंदिर बनाने के लिए इन्होंने ये धरना प्रदर्शन रखा था या राजनीति के लिए रखा था? देखिए, जहाँ तक उनको देख के उनके जो वीडियोज आए हैं, जो वहाँ की स्थिति देख के लगता है, वो बहुत दुखद स्थिति है कि वहाँ पे लोगों ने वास्तव में ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा काम करा। क्योंकि जो भीम आर्मी के जिनको बोला जाता है चंद्रशेखर, उन्होंने जो वहाँ पे करा वो लगता नहीं कि आप मंदिर का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे ऐसा लगा कि आप कोई राजनीतिक मंच है जिससे कुछ आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराने चाहते हैं। आप समाज के साथ आए, समाज के लिए आए हैं। वो गुरु घर है, गुरु घर को बचाने के लिए गुरुजी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि आप मेरी सहायता के लिए जो आम जन है आप उसको परेशान करें। आम जनों की गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो समाज का हो, चाहे कोई आने जाने वाला रास्ते वाला हो, किसी के भी साथ हो, शांतिप्रिय तरीके से काम करना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो वहाँ पे वो बहुत गलत हुआ। सर, ये समाज किस ओर जा रहा है? कह रहा हूँ कि समाज अभी जो है वो भटकाव की ओर जा रहा है। भटकाव का मतलब ये है कि समाज बट रहा है, अलग 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 छोटे छोटे गुटों में बट रहा है। समाज को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार की दमनकारी जो नीतियाँ हैं उनको लागू ना हो, ऐसा करने के लिए समाज को संगठित होना पड़ेगा, भटकाव की तरफ नहीं जाना है। ये चाहते हैं कि समाज को भटका रहे हैं छोटे छोटे जितने दल हैं जो बने हुए हैं या जो संगठन बने हुए हैं, उनका सरकार बेजा इस्तेमाल करके और समाज को बिल्कुल भटकाव की तरफ ले जा रही है। पूरा समाज भटका हुआ है। आपको क्या लगता है सर, ऐसा करने से, ये धरना प्रदर्शन करने से क्या रविदास मंदिर बन सकता है? नहीं, देखिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, शांति तरीके से करना चाहिए, सरकारों से लड़ना चाहिए। सरकारों से लड़ने का तरीका ये नहीं है कि आप उग्र हो जाएं। शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन करें, आप वहाँ पे जाएं, सरकारों से बात करें, सरकारों से अपील करें, किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू उनसे अप्रोच करा जाए, या समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीति में हैं या जो बड़ी पोस्टों पे हैं, वो अपनी जो भी उनकी पोस्ट है उनका इस्तेमाल करें सही तरीके से। निश्चित तौर से वहाँ पे रविदास मंदिर दोबारा बनेगा जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि रविदास मंदिर बनने के लिए? रविदास मंदिर वहाँ पे, आज अगर हम मंदिर की बात करें तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस राम मंदिर के लिए देश में लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, वो भी तो एक भगवान का मंदिर ही है। राम को इन लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, तो निश्चित तौर से वो भगवान है। तो रविदास जी जो है वो भी तो भगवान के ही बंदे हैं जी। वो भी भगवान तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। वो भी तो भगवान को ही मानते थे, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम भगवान को नहीं मानते। जब आप राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि मंदिर था कि नहीं था वहां पे, ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये बात तो पूरी जनता तय करती है कि वहां पे 600 साल से मंदिर था जिसको कि सरकार ने गिराया। सरकार को गिराना ही गलत है, लोगों की आस्था का सवाल है, करोड़ों करोड़ लोग उनके भगत हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें दलित समाज या बहुजन समाज ही है, पूरे देश के लोग जो है रविदास जी को अपना गुरु मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। सरकार का ये कदम निश्चित तौर से बहुत गलत है, और वहाँ पे निश्चित तौर से वहाँ पे रविदास मंदिर बनना चाहिए,
लेकिन समाज से ये अपील है कि शांति प्रिय तरीके से धरना करें, प्रदर्शन करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और वहाँ पे मंदिर बनने की और अगरसोन नागी उग्र प्रदर्शन करें। सर, ताकत की आप बात कर रहे हैं, जो DDA जो वहाँ पर अपना हक मांगे जो 600 साल पहले नहीं था, क्या ये सही है? देखिए, जहाँ तक DDA की बात है, DDA को वो लैंड दिल्ली में दी गई थी जो लैंड अंग्रेजों के पास थी जी। जब भारत आज़ाद हुआ, जो लैंड अंग्रेजों के पास थी, जिस जमीन का अंग्रेजों ने इस्तेमाल कर रहा था, वो जमीन पे आप देखिएगा कि उनमें लिखा होता है सरकार दौलत मदार, मतलब सरकार की नहीं है वो, सरकार को उसको मालिकाना हक देख रेख के लिए दिया गया, इसीलिए नहीं कि सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है या बेच सकती है। DDA ऐसा भी नहीं कर सकती है। और जहाँ तक रविदास मंदिर वाली बात है, ये मंदिर जब का बना हुआ तब तो DDA क्या देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब से लोगों की आस्था है और मंदिर बना हुआ है, लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिस भी तरीके की लोगों की भावना है उस तरीके से वहाँ ला के लोग अरदास करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को या DDA को इस पर कोई भी जो है एलिगेशन लगाना चाहिए। सर, क्या ये गवर्नमेंट जानबूझ के SC ST के ही मंदिर तोड़ रही है? ये सरकार निश्चित तौर से जाति और धर्म की राजनीति पे लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है और एक सोची समझी साजिश के तहत ही ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मंदिर को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये समाज एग्रेसिव मोड पे आएगा, एग्रेसिव मोड पे आएगा तो दिल्ली में इनको चुनाव जीतने, चुनावी राजनीति के तहत ही इन्होंने मंदिर तोड़ा। हो सकता है कि सरकारें खुद ही मंदिर वापस बना दें, इसलिए समाज को समझना है कि शांति प्रिय तरीके से काम करना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, किसी भी सरकार के बहकावे में नहीं, किसी सरकार के लोगों के बहकावे में नहीं आना। सर, देश को और समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे देश के बहुजन समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ स्पेशली कि आप जाति और धर्म की राजनीति से बाहर निकलिए, इनके बहकावे से बाहर आइए और भटकाव से बिल्कुल रुक जाइए। जो आप छोटे छोटे संगठनों में भटके और भटक रहे हैं, जो कि सरकार की नीति है, बांटो और राज करो। पहले अंग्रेजों की राजनीति, फूट डालो और राज करो, इनकी राजनीति है बांटो और राज करो। इनको मालूम है कि हम बहुजन समाज को बांटेंगे तभी हमारा फायदा होने वाला है, इसलिए इनके फायदे की ना सोचें, अपने फायदे की सोचें। बहुजन समाज भटकने से रुके, रविदास मंदिर भी बनेगा, देश में सत्ता भी जो है कानून वाली सत्ता होगी, संविधान वाली सत्ता होगी। जैसा कि राजवीर जी ने कहा कि किसी के भटकाओं में ना आए, अगर आपको सुख और शांति से रहना है तो अपना शांतिपूर्वक काम करें, जो भी आपको धरना प्रदर्शन करना है, जो भी आपको काम करना है, कानून के दायरे में रहिए, जिससे सरकार को अपनी दमनकारी नीतियां करने का मौका ना मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय।